नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम में। उत्तर प्रदेश के रामनगरी अयोध्या में इस दीपोत्सव में विश्व रिकॉर्ड बनाने जाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। 2017 से अयोध्या में शुरू हुए दीपोत्सव कार्यक्रम में हर बार सरकार के द्वारा दीयों की संख्या के बढ़ने का प्रयास जारी है। इस बार अयोध्या के 51 घाटों पर दीपावली के मौके पर 24 लाख दिए जलाए जाएंगे, जिनमें से 1.51 लाख गोबर से बने हुए गोदीप भी शामिल होंगे। भगवान श्री राम के स्वागत के लिए अयोध्या नगरी को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। दीपावली पर होने वाले दीपोत्सव के साथ साथ अयोध्या में कई धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें रामायण के प्रसंगों पर आधारित झांकियां अयोध्या के प्रवेश द्वार से निकलेगी, जिनका रामकथा पार्क में समापन होगा। इसके अलावा झांकियों के आगे पीछे नृत्य संगीत की अलग अलग टोलियां चलेंगी। पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 1.5 लाख 10 हजार गोदी भेंट दी गया है, जो अयोध्या में दीपोत्सव में जलाए जाएंगे। नमस्कार, मैं शक्ति ठाकुर, हम है धर्मनगरी अयोध्या में। धर्मनगरी अयोध्या में हम आ चुके हैं राम की पैड़ी पर। यहाँ पे जो दीपोत्सव की तैयारियां हैं वो जोरों शोरों पर चल रही है। जो यहाँ पे दीप है वो उनको वॉलेंटियर के द्वारा लगाए जा रहे हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बच्चे हैं वॉलेंटियर हैं वो दीपों को लगातार लगा रहे हैं। दीपोत्सव का दिन नज़दीक आ रहा है, जिसके उसमें तैयारियां जो है वो बहुत जोरों से हैं। यहाँ पे कुछ बच्चे हैं, आइए हम इनसे बात भी करेंगे कि बेटा दीपोत्सव में कैसा लग रहा है यहाँ पे काम करके? बहुत अच्छा। और इससे पहले भी आप लोग आए थे यहाँ? नहीं नहीं, हम लोग पहली बार आए हैं। कौन सा स्कूल है आप लोगों का? किस डिपार्टमेंट से? फार्मेसी। फार्मेसी डिपार्टमेंट हो चाहे और भी अदर डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट वाले हैं, राम मनोहर लोहिया की तरफ से जितने बच्चे हैं सारे बच्चे आए हुए हैं। कुछ लोग और भी हमारे साथ मौजूद है, हमसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सिद्धांत सिंह। यहाँ पे आए हुए किस लिए आए हुए हैं? दीप लगवाने, दिया जलवाने के लिए। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए। वर्ल्ड रिकॉर्ड इस गाड़ी का कितना है? 21 लाख। 21 लाख दीपों का है। पिछली बार कितना था? 19 लाख। 19 लाख। कौन सा डिपार्टमेंट आपका? हमारा फार्मेसी है। फार्मेसी। अगर हम फार्मेसी डिपार्टमेंट की बात करें, यहाँ अयोध्या में राम की पैड़ी पर जो है दीपों का लगातार, आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो दीप है वो लगातार लगाए जा रहे हैं। 11 तारीख को दीपोत्सव होना है, दीप को प्रज्वलित करना है, उसके लिए जो है तैयारियां हैं जो यहाँ पे हैं वो बहुत जोरों शोरों से चल रही हैं। और भी कुछ बच्चे हैं, आइए हम बात करेंगे उनसे, जानेंगे कि दीपोत्सव के बारे में। राम की पैड़ी पे आए हुए हैं, पूरी अयोध्या जो है वो राममयी हो चुकी है। यहाँ पे कुछ बच्चे और हैं, आइए हम इनसे भी बात करते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? काशीनाथ कौशल। यहाँ पे आप वॉलंटियर में हैं? हाँ, हम लोग वॉलंटियर हैं। दीपों को लगाया जा रहा है आपके द्वारा, कहाँ से हैं आप? हम लोग अवध विश्वविद्यालय से हैं और हम लोग का जो डिपार्टमेंट है वो फार्मेसी का डिपार्टमेंट है। अच्छा, फार्मेसी वाले, ये घाट फार्मेसी वालों का है? ये घाट फार्मेसी वाले और भी डिपार्टमेंट, एमएससी वगैरह के बच्चे हैं। और बाकी कुछ स्कूलों के साथ हम लोग का है घाट। हाँ, इस घाट से और भी सारे स्कूल और कॉलेज के बच्चों के साथ है हम लोग का। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे जो अवध विश्वविद्यालय है, पूरा विश्वविद्यालय यहाँ पे सहयोग कर रहा है दीपों को प्रज्वलित कराने में। यहाँ पे जो दीप हैं वो लगातार लगाए जा रहे हैं। खबरों के अपडेट के लिए हमारे साथ में जुड़े रहिए। धर्मनगरी अयोध्या से मैं शक्ति ठाकुर। त्योहारों को लेकर ताज नगरी आगरा के बाजारों में उत्साह देखने को मिल रहा है। शहर के सभी बड़े बाजारों में अच्छी खासी चहल पहल दिखाई दे रही है। करवा चौथ पर अच्छा मार्केट बिकने के बाद अब व्यापारियों का पूरा फोकस दीपावली पर है। लोग घरेलू सामान, कपड़े, आभूषण, सजावटी सामान, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, ऑटोमोबाइल और मिठाइयों सहित अन्य सामान की खरीदारी कर रहे हैं। दीपोत्सव पर सबसे ज्यादा दीपकों की खरीदारी होती है। इस बार ताज नगरी आगरा में दीपकों की डिमांड भी बढ़ी हुई है। प्रदूषण के खतरे को देखते हुए जिलाधिकारी आगरा भानुचंद गोस्वामी ने संबंधित विभागों के साथ बैठक की। बैठक में नगर निगम, मुख्य अग्निशमन विभाग को निर्देशित किया है समय समय पर जल का छिड़काव शहर में किया जाए। दीपावली का पर्व पूरे देश में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। वहीं आपको बता दें, ताजनगरी आगरा में भी दीपावली की तैयारियों में लगातार लोग जुटे हुए हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त हम मौजूद हैं आगरा के सागंज, जो सबसे व्यस्तम बाजार है, सबसे बड़ा बाजार कहा जाता है। यहाँ पर भी काफ़ी भीड़ है, जो ख़रीदारी करने के लिए लोग यहाँ पर इस बाज़ार में दूर दूर से यहाँ इस बाज़ार में ख़रीदारी करने के लिए लोग आते हैं।
वहीं आपको दिखा दें कि यहाँ पर एक मूर्ति की दुकान है, इनसे भी बात कर लेते हैं और जानते हैं किस प्रकार की यहाँ पर मूर्तियाँ बेच रहे हैं और किस प्रकार की लोग मूर्तियों की डिमांड भी कर रहे हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगदीश कुशवाहा है। जगदीश जी, इस बार मूर्तियों की कैसी डिमांड है मार्केट में, किस प्रकार से कैसा बाजार है? मार्केट में ये मिट्टी के खिलौने की डिमांड सबसे ज़्यादा है, ये POP की बहुत ही कम डिमांड होती है। आम पब्लिक जो जानती है कि सब मिट्टी के खिलौने की पूजा होती है। मैं आपको बताऊँ, मिट्टी के खिलौने के पर्व जो बहुत ही बढ़िया उठता जो है, हर आदमी की चॉइस जो मिट्टी के खिलौने की है। आगरा का सबसे बड़ा बाजार है, आप कितने वक्त से यहाँ पर दुकान लगा रहे हैं? मैं करीबन 6 वर्ष से लगा रहा हूँ यहाँ। अगर बात करें सेल की तो कैसा, मतलब दुकानदारी की, ग्राहक कैसा आ रहा है? सेल बढ़िया है सर, सेल बढ़िया उठती है, जो कोई बात की कमी नहीं है। ये देखिए, जो मूर्ति के दुकानदार हैं उनका भी साफ तौर से कहना है कि आगरा का बड़ा बाजार है और यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा मूर्ति की जो सेल होती है वो मिट्टी की मूर्ति की सेल की जाती है। ग्राहक भी ज़्यादातर मिट्टी की मूर्ति पसंद करते हैं। हालांकि आगरा में POP की भी मिट्टी की जो मूर्ति है POP की, वो भी देखी जाती है, लेकिन जो ग्राहक हैं वो अक्सर कर मिट्टी की मूर्ति पसंद करते हैं। आप साफ तौर से देख सकते हैं यहाँ पर, अगर हम बड़े बाजार की बात करें तो पुलिस प्रशासन की बात करें तो बाज़ार को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर मुस्तैद है, क्योंकि आगरा का जो सबसे व्यस्तम बाज़ार है वहाँ, उसको देखते हुए आगरा पुलिस भी काफ़ी एक्टिव है। ऐसे बड़े जो आगरा में घने बाज़ार हैं वहाँ पर पुलिस की भी मुस्तैदी हर एक बाज़ार में नज़र आ रही है। आप साफ तौर से देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग, आगरा ही नहीं आसपास के लोग भी, जो आगरा से सटे हुए क्षेत्र हैं वहाँ से भी लोग खरीदारी करने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। और हर एक दुकान की अगर हम बात करें, हर एक दुकान पर काफ़ी ग्राहकों की भीड़ भी देखी जा रही है। अगर हम कपड़ों की बात करें तो कपड़ों की दुकानों पर भी काफ़ी भीड़ है, लोग ख़रीदारी करने के लिए आ रहे हैं। वही अगर हम तमाम जो घर के यूज़ के जो सामान होते हैं, किचन का सामान होता है, वहाँ भी लोग बड़ी संख्या में ख़रीदारी कर रहे हैं। हालाँकि जो 2 दिन बाद धनतेरस आएगी, धनतेरस वाले दिन ही सबसे ज़्यादा ख़रीदारी देखी जाती है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बात कर लेते हैं। भैया, दीपावली का पर्व है, किस तरीके से खरीदारी चल रही है? बढ़िया, बहुत अच्छे। क्या कुछ खरीदा है फैमिली के साथ आए? अभी तो मिठाई लेके जा रहे हैं, 50 डिब्बे और 50 डिब्बे मिठाई है, 100 डिब्बे गिफ्ट पैक कराए हैं अभी, और घर के लिए बच्चों, घर के लिए फैमिली के अभी और खरीदारी करेंगे अभी। देखिए, लोगों में काफी हर्ष है, उल्लास है, खरीदारी भी बड़े हर्ष के साथ कर रहे हैं। और भी लोग हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हैं भैया, खरीदारी हो रही है, किस प्रकार से खरीदारी की जा रही है? दीपावली का पर्व है, दीपावली बढ़िया खरीदारी हो रही है, सही हो रही है। हाँ, क्या कहेंगे, दीपावली का पर्व है और खरीदारी कर रहे हैं लोग? बढ़िया है, खरीदारी कर रहे हैं तो सब अच्छी खरीदारी चल रही है, बढ़िया चल रही है। जाकर देखिए, ग्राहकों का भी साफ तौर से कहना है कि खरीदारी बहुत बेहतर तरीके से यहाँ पर चल रही है और तमाम लोग यहाँ पर ख़रीदारी करने के लिए भी आ रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर छोटे छोटे जो आइटम हैं वो भी यहाँ पर बेचे जा रहे हैं। अम्मा, कैसी सेल हो रही है? भैया, 1 रुपये तो करना ही नहीं हुई है। देखिए, अम्मा हैं यहाँ पर, और भी तमाम जो आइटम हैं आप देख सकते हैं, यहाँ पर इन सभी चीज़ों का बाज़ार लगता है और यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग ख़रीदारी करने के लिए आते हैं। छोटे छोटे से बच्चे भी यहाँ पर चीज़ों को पसंद करते हैं। और ख़ास बात ये कि आगरा में जो आतिशबाजी है प्रदूषण को लेकर, अगर बात करें, आगरा में प्रदूषण का लगातार प्रकोप बढ़ता जा रहा है। इसी को लेकर जो आगरा जिला प्रशासन है उसने साफ तौर से दिशा निर्देश दिए हैं कि लोग ग्रीन पटाखों का यूज़ करें और जो देसी पटाखे होते हैं, देसी बम होते हैं, उनसे बचें, क्योंकि आगरा में लगातार प्रदूषण की बात करें तो प्रदूषण का लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे आगरावासियों के लिए खतरा भी साबित हो सकता है। तो जिला प्रशासन है वो साफ तौर से, अगर नगर निगम की बात करें या फायर ब्रिगेड की बात करें, तो जगह जगह पर पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है इस प्रदूषण को देखते हुए। हालांकि जो जिला प्रशासन है उसने आगरा वासियों से साफ तौर से अपील भी की है कि ग्रीन पटाखों का यूज़ करें और जो देसी बम होते हैं, ऐसे जो बम होते हैं, उनका यूज़ ना करें, जिससे कि प्रदूषण लेवल आगरा का बढ़ जाए, जिससे आगरा वासियों के लिए खतरा बन सकता है। अपने सहयोगी उमर के साथ जीशान अहमद, प्राइम TV आगरा। दीपों के महोत्सव दीपावली
पर्व को पूरे देश में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और इस पर्व पर सबसे ज़्यादा जो दीप होते हैं दीपक जलाए जाते हैं। इस बार सबसे ज़्यादा दीपक अयोध्या में जलाए जाएंगे। तकरीबन जो 21 लाख दीपकों को जलाने का लक्ष्य रखा गया है जो अयोध्या के घाटों पर जलाए जाएंगे। वहीं आपको दिखा दें कि ताज नगरी आगरा में भी अयोध्या में जो दीपक जगमगाएंगे वो ताज नगरी आगरा से भी कई लाख दीपक बनाए जा रहे हैं जो ताज नगरी आगरा से अयोध्या के लिए जाएंगे। इनको काफ़ी पहले से ऑर्डर मिला हुआ है, तकरीबन 1-2 महीने से ये लोग तैयारी कर रहे हैं। आप साफ तौर से देख सकते हैं कि सामने वो जो दीपक हैं वो बन रहे हैं, पक रहे हैं, उसके बाद ये यहाँ पर सुखाए जाते हैं। पहले ये सबसे पहले ये देखो, आपको दिखा दें, कैमरामैन से कहेंगे करीब से दिखाएं ये किस तरीके से बनाए जाते हैं। हालांकि छोटे छोटे से दीपक होते हैं, काफ़ी समय लगता है और ये लोग यहाँ पर बना रहे हैं। आइए इनसे पहले बात कर लेते हैं कि अयोध्या के लिए जो दीपक बनाए जा रहे हैं उनका ऑर्डर कम्प्लीट हो गया या फिर ऑर्डर अभी बाकी है। भैया एक मिनट, आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम देवेंद्र कुमार। देवेंद्र जी, आपको ऑर्डर मिला है लगभग 3-3.5 लाख दीपकों को बनाने का जी। तो किस तरीके से पूरा क्या है बताएं? सर हम करीब 25-30 लोग हैं जिनमें आपस में हमने डिवाइड कर लिया है, तो हर एक व्यक्ति को करीब 50,000 दीपक देना है। तो कैसे तो, क्या ऑर्डर ये मिला है उसके बारे में थोड़ी जानकारी? सर हमें ये ऑर्डर मिला था सितंबर के महीने में मिला था हमें, जिसकी हमने प्रोसेसिंग अक्टूबर से स्टार्ट की और कुछ अभी 5-6 दिन पहले निकाल दिए हैं। थोड़े बहुत जो रह गए हैं अब वो हम कल परसों में निकाल देंगे। बड़े गर्व की बात है, इस बार दीपावली पर ताज नगरी आगरा के दीपक जलाए जाएंगे जी। हमें इस बार महसूस कर रहा है काफ़ी हर्ष और उल्लास है सर, क्योंकि ये खुशी भी महसूस हो रही है कि आदित्यनाथ जी ने जो ऑर्डर दिए हैं उनके लिए हम कुछ काम कर सकें और अयोध्या जी जाएंगे हमारे दीपक, इससे बड़ी खुशी की क्या बात होगी सर जी। परिवार में काफ़ी खुशी जी, बिल्कुल बिल्कुल बना रहे हैं उनमें, सब में ही खुशी है सर, सब बच्चे भी खुश हैं और जो सुन रहे हैं वो भी खुश हैं। देखिए जो ये यहाँ पर जो लोग हैं बना रहे हैं उनका साफ तौर से कहना है कि ये बड़े गर्व की बात है, क्योंकि अयोध्या जैसी नगरी में जो राम की नगरी है वहाँ पर यहाँ के जो दीपक हैं वो जगमगाएंगे। कुछ लोग और हैं, इनसे बात कर लेते हैं। चाचा क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश गोला है जी। ओम प्रकाश जी थोड़ा खड़ा हो जाइए आप, मैं आप ये दीपक यहाँ पर बनाए जा रहे हैं कितने समय से बनाए जा रहे हैं और कितने का तकरीबन ऑर्डर है? ये करीब 1-1.5 महीने पहले से बनाए जा रहे हैं और करीब 4-5 लाख हमारे पास ऑर्डर है, इसको हम कंप्लीट कर दिए हैं, कुछ बाकी रह गए हैं वो दे देंगे 2 दिन में। तकरीबन एक आइडिया कितने कंप्लीट हो चुके हैं और कितने बाकी रह गए हैं? हमारे यहाँ साहब करीब 5-6 लाख दिए तैयार हो चुके हैं, वो जा चुके हैं और जो बचे हैं वो 2 दिन के अंदर चले जाएंगे। अच्छा एक बात, एक सवाल आखिरी मेरा ये है, जो दीपक आप यहाँ पर बनाते हैं कितने वर्षों से यहाँ पर दीपक बनाए जाते हैं? हमारे ये पुश्तैनी कार्य था, करीब सैकड़ों सालों से ये हमारा कारोबार है और हमारा यही एक कारोबार है जिससे हम अपना जीवन यापन करते हैं। एक सवाल आखिरी मेरा ये है, जो दीपक बनाए जा रहे हैं क्या ये लोकल ताज नगरी आगरा के लिए भी हैं या फिर ऑर्डर से ही बने हैं बस? ये साहब ताज नगरी के लिए भी हैं और अयोध्या से जो हमें ऑर्डर जो मिला है उसकी पूर्ति के लिए भी हम तत्पर हैं और कार्य कर रहे हैं। बड़े गर्व की बात है कि अयोध्या राम नगरी से आपको ऑर्डर मिला है, सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि आप वहाँ आपके जो दिए हैं वो राम नगरी में जलाए जाएंगे। बड़े गर्व की बात है जो यहाँ पर दीपक बन रहे हैं जो अयोध्या की रामनगरी में जलाए जाएंगे और हर्षोल्लास मनाया जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। हिंदू जितने भी हैं सभी लोग इस त्यौहार को बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। देखिए जो लोग यहाँ पर ये बना रहे हैं उनका साफ तौर से कहना है कि ये बड़े गर्व की बात है जो राम नगरी में आगरा के जो दिए हैं जो दीपक हैं वो जगमगाएंगे, इनके लिए बड़े गर्व की बात है। हालांकि जो कारीगर हैं हमने उनसे भी बात की, उनके अंदर भी काफ़ी खुशी है और साफ तौर से कहना है कि जो ऑर्डर है जो अयोध्या से ऑर्डर मिला है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ऑर्डर मिला है, तकरीबन 4-5 लाख दिए बनाने का ऑर्डर मिला है। हालांकि वो दिए कंप्लीट भी हो चुके हैं, कुछ ऑर्डर बाकी है जो पूरे होने के बाद अयोध्या के लिए रवाना हो जाएंगे। अपने सहयोगी उमर के साथ जीशान अहमद, प्राइम टीवी आगरा।
हर साल दिवाली का त्यौहार पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। दीपावली हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है जिसकी धूम देश के हर कोने पर देखने को मिलती है। ये पर्व हर साल कार्तिक माह की अमावस्या को मनाया जाता है। वही यूपी के प्रयागराज जिले में भी बाजार गुलजार हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग मंचों से कई बार वोकल फॉर लोकल की बात करते हुए नजर आए, जिसका बड़ा असर साफ तौर पर अब दिखने भी लगा है। दीपावली पर स्वदेशी वस्तुओं से बाजार पटा हुआ है। घर को अलग से लुक देने के लिए कोई मिट्टी का लैंप पसंद कर रहा है तो कोई रंगोली की दुकानों पर नजर आ रहा है। दीपावली के त्योहार में दिया और बाती का अलग ही महत्व है। इस साल चाइनीज सामान के प्रति लोगों का झुकाव कम दिखा, लोग देसी झालों और दिए को तवज्जो दे रहे हैं। सर, इस समय इंडियन आइटम का ज़्यादा रुझान मिल रहा है चाइनीज़ आइटम के बनिस्बत। चाइनीज़ आइटम बेकार है, वेस्ट है, वेस्ट ऑफ मनी है। इंडियन आइटम मस्त पैसा मतलब सूल है। क्यों ऐसा, क्यों चाइनीज़ आइटम का क्यों इसका बहिष्कार हो, इंडियन घर क्यों डिमांड ज़्यादा है? सर, अपने मोदी जी का कहना है लोकल फॉर वोकल, इसी वजह से इंडियन बढ़ावा मिला। जी हाँ भैया, हमने इंडियन झालर लिया है। इंडियन झालर इज़ बेस्ट है क्योंकि चाइनीज़ के मुताबिक काफ़ी अच्छी है वो इंडियन झालर, क्योंकि इंडियन झालर क्या है वो बन जाती है और उसमें डिज़ाइनिंग भी है, अपना फीचर्स डलवा सकते हो। चाइनीज़ झालर के मुताबिक इंडिया में क्या है, एक तो जो है मोदी जी का कहना है हमारे कि जो है इंडियन झालर इज़ बेस्ट है वो कहते हैं, तो इंडिया झालर के इंडियन झालर मैंने खुद अपने घरों पे भी लगाया हुआ है। चाइनीज़ के मुताबिक काफ़ी अच्छी झालर है। इंडिया वोकल पर ज़्यादा आप फोकस कर रहे हैं? जी सर, बार स्वदेशी सामान की बहुत डिमांड है और अंदर से भी ये चीज़ चाहते हैं कि स्वदेशी सामान मिले। चाइनीज़ चले तो चार दिन बेकार पैसा भी होता है और आए दिन समस्या बनी रहती है, रिपेयरिंग भी नहीं हो पाती। तो मैं आया जब सामान लेने के लिए तो हमने कई दुकानदारों से मांग की कि भाई आप लाइट वगैरह जो देते हैं चाइनीज़ देते हैं ना, चार दिन चलती है, बंद हो जाती है और बंद भी नहीं पाती है। तो अब की बार प्रधानमंत्री जी के स्वदेशी अभियान के तहत बहुत सारी लाइटें ऐसी हम लोग को मिली हैं जो भारत में निर्मित हो रही हैं। शॉपिंग की बात की जाए तो शॉपिंग तो मेरी और मेरे घर वालों की बहुत टाइम से चल रही है, लेकिन शॉपिंग ख़त्म होने को नहीं आई है। लेकिन फिर भी जब बाज़ार में आ रहे हैं तो चाइनीज़ लाइट और इस तरह की लाइट तमाम चली है, लेकिन इस बार ही उस चाइनीज़ लाइट को टक्कर देने के लिए मिट्टी के डिज़ाइनर दिया है। उसका बहिष्कार कर रहा है? नहीं नहीं, हाँ बिल्कुल इस चीज़ का तो मैं बहिष्कार कर रहा हूँ। और जो हम लोग अब जो घर सजाते हैं तो प्रेफर करते हैं कि मिट्टी के डिज़ाइनर दिए हम उसे लेते हैं और उससे सजाते हैं। पूरे देश में दीपों का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। बुराई पर अच्छाई के इस त्यौहार में पूरे देश का कोना कोना रोशनी से जगमगाएगा। वहीं कानपुर के बाजार भी रोशनी से गुलजार हो चुके हैं। लोग घर में लक्ष्मी गणेश के आगमन की तैयारी में जुट गए हैं। दीपावली के त्यौहार में दिया और बाती का अलग ही महत्व है और इस बार बाजार में कई तरह के दिए भी देखने को मिल रहे हैं। नहीं, महंगाई तो समय के संग बढ़ ही रही है, सबके लिए बढ़ रही है, हमारे लिए थोड़ी बढ़ रही है, सभी के लिए बढ़ रही है। तो महंगाई चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबके लिए बढ़ रही है। क्या क्या खरीदारी कर रहे हैं? कैसे पूजा का सारा सामान, जैसे लक्ष्मी गणेश है, माला है, डेलिया वगैरह है, यही सारी चीजें खरीदी जाती है ना भाई। सन्नाटा, महंगाई इतनी है, क्या करे दुकानदारी तो समझ ही नहीं आ रही कि दिवाली है। हम लोग इतना चार चार पाँच पाँच लाख रुपया फंसा के बैठे हैं, दुकानदारी में मजा नहीं है भाई। अभी तक कितनी डिलिया बिकी है, कितना सामान आपकी दुकान पे? अभी तक तो कुछ भी नहीं समझ में आया। क्या कहेंगे सरकार से, क्या कहेंगे दिवाली कैसे मनेगी इस बार? सरकार से कहेंगे, मोदी सरकार में महंगाई है और क्या। दीपावली का त्यौहार पूरे देश में बड़े हल्ला उल्लास से मनाया जाता है। इस समय मौजूद है गोविंद नगर के विद्यार्थी मार्केट पर, जहाँ हम दिखाएंगे अपने दिवाली का सामान जो है वो खरीद रहे हैं। और पूरे मार्केट भरी हुई है सजाने के लिए, घर के लिए महिलाएं और पुरुष जो है आ रहे हैं, वो पूरी तरीके से जो है सामान खरीद रहे हैं। उसके बाद चंद दिनों बाद दिवाली का त्यौहार है, उसको लेकर जो है मार्केट में सजी है, काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है, जहाँ लोग आ रहे हैं, महिलाएँ आ रही हैं, जो है पुरुष आ रहे हैं और घर का सामान जो है खरीद रहे हैं। दीपक यादव, प्राइम टीवी कानपुर। खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।